हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ में हम प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हैं, और एनिमल टिश्यूज़ में हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू तक हम सब पढ़ चुके हैं, क्या क्या होते हैं एनिमल टिश्यू। नाउ द फोर्थ नंबर ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड एनिमल टिश्यू, और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू के जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जनरल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है वो एनिमल्स में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स ब्रेन। ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वह ब्रेन का नर्वस टिश्यू से फॉर्म होता है, और स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू फोर टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि मोस्ट एबंडेंट टाइप का जो सेल्स होती हैं वह होती हैं न्यूरॉन्स, सबसे ज्यादा मात्रा में। और यही न्यूरॉन्स जो हैं मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसका, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड्स का और नर्व्स का। अब नर्व्स जो है, न्यूरॉन सेल्स जो है, उनकी क्या विशेषता है, तो इनकी विशेषता है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स भी उन्हें कहते हैं, तो जो नर्व सेल्स होती हैं इनकी यह प्रॉपर्टी होती है कि जब इन्हें एक्साइट किया जाता है तो यह एक्साइट होती है। दैट मीन्स दैट आर दीज सेल्स आर एक्साइटेबल। ठीक है, एक्साइट की जा सकती हैं। ठीक है, एंड कंडक्ट। ठीक है, ये एक्साइट होती हैं एंड ये जो नर्व इम्पल्स होती है उसे कंडक्ट करती है। अब ये नर्व इम्पल्स होती क्या है, ठीक है, तो एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी, अदरवाइज इट इज नॉट इन योर कोर्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स, नर्व कंडक्शन क्या होता है, तो जो नर्व इंपल्सेस होती हैं वह क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उन्हें जब पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से वे एक्साइट होती हैं, और वो जो नर्व की मेम्ब्रेन्स होती हैं वे डीपोलराइज हो जाती हैं। दैट मींस जो आयनिक जो चार्जेस हैं वे अपोजिट हो जाते हैं और वे डीपोलराइज होती हैं, और फिर यह जो आयनिक चेंजेस हैं थ्रू द होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, जिसे कि न्यूरिलेमा कहा जाता है नर्व सेल्स की, उसके थ्रू वह पूरा का पूरा आयनिक चेंज जो है वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। यह जो आयनिक चेंज है जिसे कि डीपोलराइजेशन कह रहे हैं वह कहलाता है नर्व इम्पल्स। यह जो नर्व इम्पल्स है वह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट की जाती है। यह नर्व इम्पल्स किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, कुछ केमिकल्स के द्वारा जो है यह ट्रांसमिट हो पाती है। उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं जो कि नर्व सेल्स के एक्सॉन्स में रहते हैं, सिनेप्सिस में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक शॉर्ट में हम समझ लें कि एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी से मतलब क्या है। तो दैट मींस जो नर्व सेल्स हैं वे एक्साइटेबल हो सकती हैं, वह जो आयनिक चेंजेस हैं उसे वह कंडक्ट करती हैं, और इन आयनिक चेंजेस के फॉर्म में ही जो इन्फॉर्मेशन है वह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट होती है। और इसी प्रकार हमारे शरीर में जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, वह कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में क्या भेजा जाते हैं, सिग्नल्स भेजे जाते हैं फॉर अ चेंज। क्या चेंज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्सेस की वजह से हो पा रहा है। यदि हम कुछ खाने को, भोजन को टेस्ट कर पा रहे हैं तो वह सिर्फ नर्व इम्पल्सेस की वजह से हो रहा है। या हम अपने जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, वो कर पा रहे हैं, लाइक मैं इस प्रकार से अपने हाथ का मूवमेंट कर पा रही हूँ या मैं चल पा रही हूँ, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेन कंट्रोल। ठीक है, तो नर्व इम्पल्सिस की वजह से ये पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यह सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स की वजह से हो पाता है, और न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी की। ठीक है, नाउ कंपोजिशन, किस प्रकार से यह नर्वस टिश्यू फॉर्म होता है, किन किन सेल्स से। तो कंपोजिशन जो है वह चार
टाइप्स की सेल, फोर टाइप्स ऑफ सेल्स से जो नर्वस टिश्यू है वह फॉर्म होता है. सबसे वन विच इज अ मोस्ट अबंडेंट टाइप इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स और नर्व सेल. ठीक है, उसके बाद आती है न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया पैकिंग सेल कहलाती है नर्वस टिश्यू की. ठीक है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स एंड द फोर्थ वन इज एपेंडाइमल सेल. सबसे पहले देखते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है. तो न्यूरॉन्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी और स्टोमा से कहते हैं, और दूसरा होता है प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस. ठीक है, सेल बॉडी और स्टोमेटा वह पार्ट होता है जिसमें कि न्यूक्लियस रहता है. ठीक है, तो ठीक है, तो यह जो है स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स की यह है कहलाएगी सेल बॉडी. ठीक है, सेल बॉडी क्योंकि यहां है न्यूक्लियस, स्टोमा या सेल बॉडी. ठीक है, स्टोमा या सेल बॉडी और बाकी जो है वह है प्रोसेसेस. ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, दिस वन इज द लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज कॉल्ड एज एग्जॉन. ठीक है, और सेल बॉडी से दूसरी स्मॉल प्रोसेसेस निकलती है, दीज प्रोसेस आर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जिनमें कि साइटोप्लाज्म भी होता है, तो यह कहलाती है डेंड्रॉन्स. ठीक है, समझ में आया, एक पार्ट है सेल बॉडी और बाकी है प्रोसेसेस जो कि प्रोसेसेस क्या है. ठीक है, यह इलोंगेटेड प्रोसेसेस होती हैं, इलोंगेटेड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जो कि किससे निकल रहा है, सेल बॉडी से. ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस निकल रही है जो कि कहलाती है एग्जॉन, बाकी कुछ शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस होती हैं जो कहलाती हैं डेंड्रॉन्स. ठीक है, समझ में आया, न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में और निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं. निसल्स ग्रेन्यूल्स ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं विच कंटेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का. ठीक है, तो यहां पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो उन एक ग्रेन्यूल्स में रहते हैं जिन्हें निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं, और यह जो निसल्स ग्रेन्यूल्स है यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. ठीक है, तो ये जो निसल्स ग्रेन्यूल है यह एग्जॉन्स में नहीं रहते, एग्जॉन्स में जो साइटोप्लाज्म है उसमें नहीं रहते. ठीक है, उसके बाद जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे न्यूरिलेमा. ठीक है, एग्जॉन्स पर एक फैटी कवरिंग होती है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ. ठीक है, देन एग्जॉन्स जो है वह इस प्रकार से ब्रांच हो जाता है और जो टर्मिनल एंड होते हैं वह नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं सिनॉप्टिक नॉब. क्यों कहते हैं इन्हें सिनॉप्टिक नॉब, क्योंकि जो एग्जॉन्स की यह प्रोसेसेस है यह दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन्स से क्या बनाते हैं, जॉइंट होते हैं, सिनेप्स बनाते हैं. तो ये जो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये जंक्शन बिटवीन द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन एंड एग्जॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन आर कॉल्ड एज सिनेप्सिस. ठीक है, तो अब यहां देखें कि एक दूसरा जो न्यूरॉन है
ठीक है, यह क्या है, यह एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। दूसरे न्यूरॉन के यह प्रोसेसेस हैं डेंड्रॉन, दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन, ठीक है। तो सिनेप्सिस जो होते हैं वह हमेशा एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। इन जंक्शन को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस ही वह जंक्शन है जिसकी वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट की जाती है, ठीक है। और यह कहलाएंगे सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वह सिनेप्टिक नॉब्स में ही रहते हैं, और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सिनेप्टिक नॉब से तो क्या होता है, यह नर्व इंपल्स आगे की ओर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो यह समझ में आया, ठीक है। क्या क्या होते हैं, सेल बॉडी और स्टोमा, इट कंटेन न्यूक्लियस, इट कंटेन निसल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। सेल प्रोसेसेस में एक होता है एक्सॉन, विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस, विच कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। इट कंटेन माइलिन शीथ, इट इज अ फैटी कवरिंग विच कवर्स द होल एक्सॉन्स, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, यहां पर जहां पर एक्सॉन्स में कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर कि यह माइलिन शीथ नहीं होती, इस माइलिन शीथ को कहते हैं, इस स्पॉट्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर। अच्छा, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ये माइलिन शीथ नहीं भी पाई जाती, उन्हें नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स को नर्व फाइबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स, यह देखा एक्सॉन्स के बारे में। उसके बाद दूसरी प्रोसेसेस, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है, दीज आर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस आर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। द अदर वन इज डेंड्रॉन। डेंड्रॉन्स जो होते हैं, दीज आर शॉर्ट प्रोसेसेस, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अच्छा, और एक्सॉन एक सिंगल होता है, लॉन्ग सिंगल प्रोसेस, ठीक है, जबकि डेंड्रॉन आर मल्टीपल, मल्टीपल आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 मल्टीपल है, जबकि एक्सॉन एक सिंगल होता है, ठीक है। देन इट डज नॉट कवर्ड विद द माइलिन शीथ, नो माइलिन शीथ कवरिंग, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑल्सो बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन्स, ठीक, समझ में आया। न्यूरॉन्स का किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, एक सेल बॉडी होती है विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ऑल्सो इट कंटेन निसल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। देन अदर जो है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं, एक्सटेंशन होते हैं सेल बॉडी से, तो एक लॉन्ग एक्सटेंशन, लॉन्ग जो है प्रोसेस होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन कैन बी ब्रांच्ड और इट कैन बी अनब्रांच्ड ऑल्सो, ठीक है। अनब्रांच होते हैं, जबकि डेंड्रॉन्स जो होते हैं मल्टीपल शॉर्ट प्रोसेसेस होती है विच आर ऑलवेज ब्रांच्ड, ठीक है। एक्सॉन्स पर कई न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है विच इज अ फैटी कवरिंग, ठीक है। जहां पर कुछ स्पॉट्स पर जब ये कवरिंग नहीं होती उन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। और जो पूरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह न्यूरी लैमा कहलाती है, ठीक है। ओके ओके, वन मोर डिफरेंस इज देयर कि जो नर्व इंपल्स होती हैं वह डेंड्रॉन टुवर्ड्स द सेल बॉडी जो है कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यहां देख रहे हैं कि जब यहां से इंपल्स आएगी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है नर्व इंपल्स, टू डायरेक्शन में नहीं होती, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगी हमेशा, ठीक है। तो यह जो यूनिडायरेक्शनल नर्व इंपल्स है वह क्या होती है, डेंड्रॉन्स जो है सेल बॉडी की तरफ जो है कंडक्ट करता है, जबकि एक्सॉन्स जो है सेल बॉडी से जो है दूर जो है डिस्टल करता है उसको कंडक्ट, समझ में आ रहा है। यह इसकी तरफ ला रहा है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आ रही है डेंड्रॉन्स जो है, जबकि जो एक्सॉन्स है
फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरोन या अदर डेंड्रॉन जो है वह पास कर रहा है. तो टुवर्ड्स द साइटॉन और टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ठीक है, साइटॉन सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड ए साइटॉन. ठीक है, तो एक्सॉन्स कंडक्टेड द नर्व इम्पल्स फ्रॉम साइटॉन टू अदर न्यूरोन, जबकि जो डेंड्रॉन्स हैं दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस टुवर्ड द साइटॉन और टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स. ठीक है, द अदर वन इज न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया आर स्मॉल साइज सेल एंड दे आर पैकिंग सेल. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज पैकिंग सेल. व्हाई पैकिंग सेल? बिकॉज दे फाउंड बिटवीन द डिफरेंट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड सो दे आर कॉल्ड पैकिंग टिश्यू. दे आर पैकिंग सेल. ठीक है, सिर्फ जो स्पेसेस हैं बीच में वहां पर न्यूरोग्लिया सेल्स जो हैं उन्हें फुलफिल कर रही है. ऑल्सो न्यूरोग्लिया सेल्स जो होती हैं दे आर फेगोसाइटिक इन फंक्शन. ठीक है, यदि कहीं पर कोई फॉरेन बॉडी है तो वो उसे एनगल्फ भी करती है. तो दे आर ऑल्सो अ डिफेंस सिस्टम ऑफ ब्रेन और नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो न्यूरोग्लिया स्पेशली पैकिंग सेल कहते हैं. देन कम्स द न्यूरोसिक्रेटरी सेल इन नर्वस टिश्यू. व्हाट आर दे? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर सम मॉडिफाइड सेल्स विच सिक्रीट सम हॉर्मोन. ठीक है, एंड सो दे आर कॉल्ड एज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. सेल्स फाउंड इन अ ब्रेन विच सिक्रीट द हार्मोन आर कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंड दे आर स्पेशली फाउंड इन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ठीक है, सो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर नर्व सेल्स और नर्वस टिश्यू विथ सिक्रीट विच सिक्रीट्स हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं. ठीक है, देन कम्स द एपेंडाइमल सेल. एपेंडाइमल सेल्स आर टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यू. एपिथीलियल सेल्स विच कवर्स द इंटरनल लाइनिंग इंटरनल कैविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है एक लेयर होती है वह होती है एपेंडाइमल सेल्स की. ठीक है, तो इट कवर्स इंटरनल कैविटी इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू और नर्वस न्यूरॉन्स. ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू है. न्यूरॉन्स से ही मिलके नर्व बनती हैं. ठीक है, नर्व फाइबर्स भी कहते हैं न्यूरॉन्स को बिकॉज दे आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, और ये जो है नर्व्स फॉर्म करते हैं. नर्व्स जो है बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और उससे नर्व फॉर्म होती है. न्यूरॉन्स जो है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी है. इनकी जो लंबाई है वह 1 मीटर तक भी हो सकती है. दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ बॉडी. इनमें रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है, नहीं के बराबर. दे कैन नॉट रीजनरेट. ठीक है, न्यूरॉन्स दे कैन नॉट रीजनरेट. ठीक है, तो यह हमने देखा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर. डिफरेंसेस आप एक्सॉन्स और डेंड्रॉन के बारे में देख सकते हैं. क्या डिफरेंस होते हैं बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन, यह हमने अलग अलग दोनों के बारे में फीचर्स लिखे हैं. ठीक, तो इस प्रकार नर्वस टिश्यू हमने पढ़ा और इस प्रकार सभी के सभी एनिमल टिश्यू जो है वो अब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया टिश्यूज जो है डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टिश्यू होते हैं एनिमल्स में. नाउ जो है मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, किस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वह एनिमल्स में किया गया है. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समझने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए, अब हमें पता है कि जो बेसिक यूनिट है वह क्या है? सेल. ठीक है, एक सेल ही है जिससे मिलकर होल ऑर्गेनिज्म जो है वह फॉर्म होता है. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है, क्यों फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि सेल में बेसिक फंक्शन जो है वह परफॉर्म होते. कैसे परफॉर्म होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सेल्स में रेस्पिरेशन जो है परफॉर्म होता है. किस प्रकार रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है? सेल्स जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है. ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्म की जाती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा. ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज
ऑक्सीडेशन किया जाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी फॉर्म होती है. उस एनर्जी को जो है डिफरेंट अदर फंक्शनिंग में यूज किया जाता है. ठीक है, याद कीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमने पढ़ा था. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होती है एनर्जी, ATPs जरूरी होते हैं. वह एनर्जी कहाँ से मिलती है? वह एनर्जी मिलती है सेल में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे फॉर्म होते हैं ATP. इन ATPs का उपयोग डिफरेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के लिए किया जाता है, डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस, डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए किया जाता है. तो इस प्रकार यह जो ATPs हैं यह क्या होते हैं, सारी प्रोसेसेस में यूज होते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार सेल जो है एक बेसिक यूनिट है जिसमें कि बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं. ठीक है, इट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि वह एक लिविंग सेल है. लिविंग सेल बिकॉज उसमें रीजनरेशन हो रहा है. ठीक है, उसमें सेल डिविजन की वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें एक्सक्रीशन हो रहा है, वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है सेल के बाहर. ठीक है, उसी प्रकार साइक्लोसिस के द्वारा जो है सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिशन और गैसेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं. तो सेल एक बहुत जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद उसमें सारी की सारी प्रोसेसेस परफॉर्म की जाती हैं. ठीक है, अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली यदि एनिमल में हम देखा जाए क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है. देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमेशा लोअर से हायर एनिमल की तरफ किया गया है, या प्लांट में भी लोअर प्लांट से हायर कॉम्प्लेक्स प्लांट की तरफ क्लासिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, इसी प्रकार एनिमल्स में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो किन चीजों को ध्यान में रखा गया. अब जैसा कि हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेल्यूलर, जैसे कि प्रोटिस्ट, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम. ठीक है, दीज आर ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जबकि जो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से फॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखा जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. दैट मींस जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वह किस लेवल का है, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जबकि जब कुछ ऑर्गेनिज्म जो इनसे हायर होते हैं जिनमें मल्टीपल सेल होती हैं वो क्या होती है, मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं वे ऑर्गेनिज्म. अब उन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कुछ में टिश्यूज पाए जाते हैं लेकिन फिर भी उनमें ऑर्गेन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं. यह टिश्यूज ही डिफरेंट टाइप का जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करते हैं, उनको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पॉरीफेरा. ठीक है, और सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जो कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ठीक है, पॉरीफेरा या पॉरीफेरा जो है उसमें टिश्यू लेवल का, जबकि फ्लैटवर्म से लेकर मैमल्स तक जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का. ठीक है, जो क्लासिफिकेशन जब नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डाइवर्सिटी ही पढ़ने वाले हैं. डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट, एनिमल, मोनेरा, डिफरेंट किंगडम्स का. तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो क्लासिफिकेशन पाया जाता है उसमें पॉरीफेरा होता है, उसके बाद जो है फ्लैटवर्म से लेकर मैमल्स तक क्लासिफिकेशन जो है फाइलम क्लासिफिकेशन, उनमें सभी में ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. दैट मींस इन सभी में ऑर्गेन पाए जाते हैं और ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म करते हैं. ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म करते हैं, सिस्टम ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इस इन बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वह किया जाता है. कुछ में सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जो कि प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, जबकि कुछ में टिश्यूज होते हैं लेकिन ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता, वो होते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का. फिर
फ्लैटवर्म से लेकर मैमल्स में ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। यस, फ्लैटवर्म जो कि वर्म्स होते हैं उनमें जो है भी ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, और ऑर्गेन्स जो है वो सिस्टम फॉर्म करते हैं। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेन जो है वह खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ऑल द ऑर्गेन सिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की वजह से ही जो एक पूरा सिस्टम है उसे चला पाते हैं, एक पूरे ऑर्गेनिजम्स को वो लाइव रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हार्ट जो है, हार्ट का क्या फंक्शन है बॉडी में? हार्ट का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या ट्रांसपोर्टेशन करता है वह? न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी सेल के लिए, क्योंकि वह क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक ग्लूकोज बॉडी में नहीं मिलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कैसे हो पाएगा? तो न्यूट्रिशन से मिलता है ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है हार्ट के द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। तो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सबको कौन पहुंचाता है? हार्ट पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। दैट मींस क्या होता है, जब सभी सेल्स जो है ऑक्सीजन का उपयोग करके वह एनर्जी बनाती है, तो साथ में क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत कम मात्रा में तो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन यदि उसकी बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो वह हार्मफुल, टॉक्सिक हो जाएगा बॉडी के लिए। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है। तो यह जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, और जो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस है उसे निकालना, यह काम कौन करता है? लंग करता है, ठीक है। तो लंग आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हार्ट एंड लंग आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। यदि हार्ट काम करना बंद कर देगा तो लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हार्ट और लंग्स जो है एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार किडनीज, किडनीज का क्या काम है? टू एक्सक्रीट द वेस्ट। अब जो भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में होती है, ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होना, ठीक है, या कुछ भी मेटाबॉलिज्म हुई उसके फलस्वरूप जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में बनता है, स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जो फॉर्म होता है बॉडी में, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और किडनी का वही काम है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर कर दिया जाए। अब मान लीजिए किडनी यदि प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो वेस्ट बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा। जब भी बॉडी में इकट्ठा होगा तो सेल्स को यह नुकसान पहुंचाएगा, स्पॉइल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो किडनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है। ठीक है, जो भी बॉडी में इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री प्रोसेसेस होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही हो पाती है। ठीक है, यदि कुछ हम परसीव कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार द ऑल, कहने का मतलब यह है कि द ऑल ऑर्गेन सिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, वह अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में ही सर्वाइव करना होता है। यह कोऑर्डिनेशन यदि ब्रेक हुआ तो द होल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, जो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह समझने की जरूरत है कि सेल लेवल क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है, ऑर्गेन लेवल क्या होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और वह एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डन विद द होल चैप्टर टिश्यू, जिसमें हमने देखा प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, नाउ वी विल सी द एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज, कौन कौन सी क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, अब उन्हें हम सॉल्व करते हैं।